हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। ये देखिए आज बन रहा है मटन हंडी। ये देखिए मैंने मटन को, ये हंडी को मैंने धो लिया है। इसे मैं ऑयल से ग्रीस कर दे रही हूँ। ये देखिए ऑयल मैंने डाल दिया है और इसे मैं चारों तरफ से घुमा दे रही हूँ। और इसके मटन के प्रिपरेशन के लिए जो मैंने मसाला लिया है, ये देखिए, ये 2 टेबल स्पून धनिया है हमारा, ये हल्दी 1 टेबल स्पून है, ये मिर्चा डस्ट हमारा 1 टेबल स्पून है, ये ब्लैक पेपर 1/4 टेबल स्पून है और जीरा पाउडर हमारा 3 चम्मच है, और ये हुआ हमारा कश्मीरी मिर्च और सॉल्ट एज पर टेस्ट। देखिए इस तरह से मटी ला लें तो 3 दिन में हमारा सटेगा नहीं। एक किलो मटन है हमारा, 1 किलो मटन को धो के तैयार कर लेते हैं। आज मटन हांडी बना रहे हैं चूल्हे में, कोयले के चूल्हे में, इसलिए इसे सुलगा लेते हैं। चूल्हे में ताव आने में कम से कम आधा घंटा तो जरूर लगेगा, तब तक मटन को प्रिपरेशन में तैयारी जो है वो मसाला वसाला सान के रेडी कर लेते हैं। ताव आने में कम से कम आधा मिनट आधा घंटा लगेगा। ये 10-12 प्याज को रफली चॉप कर लिया है मैंने। लहसुन, गोटा लहसुन है हमारा, ये भी कम से कम 100 ग्राम है। 3-4 हरी मिर्च है और उसके बाद जो मसाला हम लोगों ने लिया था, मसाला सब भी ऐड कर दे रहे हैं। ऑयल तो 100 ग्राम आराम से लग जाएगा, अगर आप ज़्यादा डाल सकते हो तो ज़्यादा अच्छा है, लेकिन इसमें तेल की कमी ना करें। ये 3-4 हमारा तेज पत्ता है, ये बड़ी इलायची, लौंग और हाथों से मिक्स कर लें। सभी चीजों को अच्छे से हाथों से मिला लें। ये देखिए सभी चीजें हमारी अच्छे से मिल गए हैं। अब इसे मट्टी के घड़ा जो जिसमें हांडी उसमें हम लोग ट्रांसफर कर देंगे, और ढक्कन लगाने के बाद इसे आटा की लोई लंबे लंबे आकार में बना के इसे इस तरह से लगाएं कि कहीं से हमारा भाप नहीं निकले। चूल्हे पे रख दे और इसे कम से कम आधा घंटे के लिए रहने दे। देखिए साइड से भाप निकल रहा, तो मैं दोबारा फिर से उस जगह पे आटा लगा रही हूँ कि भाप कहीं से नहीं निकले। आधा घंटा हमारा हो गया है, अब इसे नीचे उतार के देख लेते हैं। आटा की लोई से जो हमने साटा, तो उसे हल्का हल्का धीरे धीरे करके हटाएं, ढक्कन हटाएं, उसके बाद देखें कि हमारा मटन, देखिए हमारा तैयार हो चुका है। ये देखिए मटन का कलर, टेक्सचर आप देख सकते हैं। भाप बहुत अधिक होने के कारण इसका टेक्सचर पता नहीं चल रहा है, थोड़ा सा ठंडा होगा तो अच्छी तरह से दिखाई देगा। अगर मेरा वीडियो अच्छा लगे तो इसे प्लीज़ लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए।